मॉम गेटिंग इमोशनल। हेलो हे व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं रणवीर और मैं हूं अंकिता। तो अंकिता बिजी है कमेंट के शाउट आउट्स निकालने में। आज थोड़ा सा स्पेशल करने का टाइम है। मॉम को हम ड्रॉप करके आ गए हैं एक आंटी के वहाँ पे, क्लोज फ्रेंड, हाँ उनके फ्रेंड के वहाँ पे। तो उनके वहाँ पे ड्रॉप किया जानबूझ के ताकि मॉम का आधा या पूरा दिन वहाँ पे निकल जाए, क्योंकि घर पे कुछ आया है जो मॉम को पता नहीं है और मॉम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी था। क्यों बहुत टाइम से मॉम परेशान हो रही थी, शायद से आपने पता नहीं थंबनेल लिया टाइटल में देखा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, शायद नहीं देखा होगा। वहां पे भी सरप्राइज रखा होगा शायद, और एक नहीं डबल तड़का मार दिया सरप्राइज में मैंने। तो अभी जा रहे घर पे और सबसे पहले घर पे पहुंच के आपको बताता हूँ कि एक्चुअली सरप्राइज में आया क्या है। व्लॉग फिर वहां से आगे कंटिन्यू करते हैं, और आप लोगों को पता ही है एक ही चीज आपको करनी है, सब्सक्राइब विद बेल आइकन। गिव अवे शिवेश के लिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल मॉम की रूम की सिचुएशन थोड़ी अच्छी नहीं है। ये पता नहीं मॉम ने जब से टीवी नहीं चलाया, मॉम ने बोला रूम में टीवी नहीं चाहिए, तब से विनाइल भी नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। और पीछे आप देख सकते हो एसी नहीं है, उसका रीजन है क्योंकि मम्मी को ड्रॉप करके ना यहाँ पे एक बंदे को छोड़ के गया मैं। मम्मी को मैंने बोला कि वो सर्विस वाला बंदा है, और वो सर्विस वाला बंदा क्या किया, निकाल के चला गया। पहले एक्चुअली मैंने उसके लिए बुलाया था कि भाई एसी को ये निकाल और रवाना कर, ठीक है, ताकि इसी में नहीं थोड़ा सा रिटर्न मिले। अब मैं बताता हूँ हम लाए क्या। तो ये है एकदम ब्रांड न्यू एसी, ये है 1.5 टन, वो भी एलजी का है। और एक और सरप्राइज ये है कि हमने लिया है 2 टन का एसी भी, जो कि है हॉल रूम के लिए, क्योंकि मॉम रात को तो रूम में सोती है लेकिन पूरा दिन मैक्सिमम दिन जो मॉम का जाता है वो जाता है हॉल रूम में। और एक्सट्रीम गर्मी बढ़ गई है और मॉम को थोड़ा इशू रहता है, तो हमने सोचा दोनों ही जगह पे ठंडा कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा बिल यार पता नहीं यार, बहुत ज्यादा बिल आता है। और या सच में मैं भी रेंट का बिल सुन के सकता है, पूरी सोसाइटी का खाना बन गया। अरे हमारा गैस बिल इतना ज्यादा था, 7200 गैस बिल आया इस बार। हम इसी चीज का ब्लॉग करने वाले हैं, एसी फिटिंग वाले जब आएंगे तो एसी वैसी फिटिंग होगा, ऊपर भी नीचे भी। नीचे का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है फिट करना, बट वो करेंगे हम मैनेज, किस तरह से कर सकते हैं। तो मॉम को कुछ बताएंगे नहीं, और जैसे मॉम आएगी मॉम को देंगे सरप्राइज, ठीक है। वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि हम मुझे कॉमेंट दे रही है, अभी भी नहीं निकाले, बहुत स्लो है, खुद करना अब निकालना बेबी। सॉरी 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 जी नहीं है, हजारों कमेंट सॉरी 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 निकाल, अच्छा है कमेंट। काफी लोग ऐसा बोलते हैं कमेंट में कि हिम्मत है तो खराब कमेंट भी डाल के देखो, एंड ऐसा नहीं है हिम्मत नहीं, मैं बता रही हूं हम नेगेटिविटी को प्रमोट ही नहीं करना चाह रहे। ये जो 2 टन का एसी जो हमने मंगाया वो यहां पे पड़ा है गाइस, आपको बताया नहीं था जो। तो फाइनली फिटिंग वाले भैया आ गए हैं, पहले नीचे वाला करो ना ऊपर वाला करो, ठीक है नीचे आरसीसी का होल करना है वो पहले करना है के पहले ऊपर का निपटा देना, ऊपर तो डायरेक्टली लगाना है। हां दिखा दीजिए ऊपर ही वाला, दिखा दीजिए ऊपर वाला, लाइव नहीं नहीं लाइव नहीं, अच्छा ब्लॉगिंग। ये वाला है 10 का जी, जो ये वाले रूम में लगाना है यहाँ पे, इसका आउटडोर यूनिट ऊपर है, मतलब स्टैंड लगा हुआ ही है ऊपर है। ये वाला स्टैंड नहीं है, नीचे वाला ये रहा, उधर 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 वाला। तो एक्चुअली हमारा एसी का आउटडोर यूनिट उधर लगा हुआ है और यहाँ से निकलती है पाइप बाहर। तो अगर यहाँ से पहले की तरह का लंबा लेते हैं वहाँ तक पाइप, तो एक्स्ट्रा कॉपर पाइप जाएगा, पता ही है कि एक्स्ट्रा पाइप का ज़्यादा चार्ज लगता है। तो इन्होंने बोला जो इंक्लूडेड पाइप आता है ना उसमें हो जाएगा, और ऊपर का स्टैंड नीचे लगाने के बोला, पर मैंने सोचा कि नया स्टैंड नीचे लगवा देते हैं क्योंकि नीचे घर में दिखेगा और यहाँ का यूनिट ज़्यादा दिखेगा नहीं। तो हमें स्टैंड पुराना निकलवाया नहीं था क्योंकि 750 का स्टैंड आता है, तो वाई टू वेस्ट मनी। तो ये हमारा यूनिट निकल चुका है, हाँ 5-star लिया है ताकि बिल थोड़ा सा कम आए कम से कम। और हॉल रूम वाला हमने 2 टन का लिया है, पर 3-star लिया है क्योंकि 5-star अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा था, और 5-star शायद था नहीं था, वो भी नहीं था क्या 5-star, मैं तो नहीं था। हाँ अंकिता नहीं आई थी, क्यों नहीं आई थी, क्यों मैं बड़ोड़ा थी, आ नहीं सकती थी, नहीं इडियट ज्यादा हो रहा है सीधे। एक ही इश्यू रहेगा कि ये वाला जो एसी है ये नया लिया है, वो पुराने वाले एसी के यूनिट से थोड़ा छोटा है, तो ये डस्टिंग जो लाइन है पुराने एसी की वो देखेगी, तो मेरे ख्याल से पेंट वेंट करना करवाना पड़ेगा। अब आपको बताता हूँ कि ये सरप्राइज हमने प्लान क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्योंकि पहले वाला एसी ठंड में दे रहा था, ट्रबल हो गई थी और बहुत बिगड़ गया था,
और मॉम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और मॉम चेंज भी नहीं कर रहा है। मम्मी बोले इसको चला लेते हैं, पर एक्चुअली क्या है एसी का मैं आपको सजेशन देता हूँ, जैसे मैं पर्सनली बोल रहा हूँ एसी में कितना खर्चा है उस पर डिसाइड करने का, क्योंकि उस एसी में इतना ज़्यादा खर्चा था, कॉइल बिगड़ गई थी वगैरह वगैरह काफ़ी, तो हमने ये डिसाइड किया कि उसमें खर्चा करने से बेटर है नया ले लेना, वैसे बहुत साल पुराना हो चुका था। ये लोग भी कितने ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, इतनी धूप हो या कुछ भी हो बट ऑलवेज वर्क वर्क वर्क, इतनी धूप में काम करते रहना, इतनी धूप लग रही है ना कि मैं आँख नहीं खोल पा रही हूँ अपनी ठीक से। या आउटडोर यूनिट तो एक एसी का लग चुका है, तो बस यहाँ की तो ये ड्रेनेज पाइप डालनी बाकी है, बाकी यहाँ का एसी डन। ये हमारा 2 टन का एसी, क्योंकि यहाँ की स्पेस बहुत ज़्यादा है और उसका हमने डिसाइड किया यहाँ पे फिट कराएंगे। इशू था हमारे आउटडोर यूनिट लगाने में कि यहाँ पे इनफ जगह नहीं है आउटडोर यूनिट लगाने के लिए, एंड यहाँ पे विंडो बीच में आ जाती है। अब यहाँ पे कहीं पे लगाते तो थोड़ा ख़राब लग सकता है, और फाइनली डिसाइड किया यहाँ पे लगाएंगे। अब सर्विस वाले को थोड़ा प्रॉब्लम पड़ेगा, यहाँ से उसको सीढ़ी लगा के हमेशा सर्विस करनी पड़ेगी, बस ये पंगा हमेशा के लिए रहा। शायद से ये वाले स्टैंड लगाने के डिसीजन से मॉम थोड़ा अपसेट हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है, फिर पता नहीं। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और थोड़ा सा डिसीजन चेंज किया स्टैंड लगाने का, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ अभी। बट अंकिता ने बनाया वाटरमेलन जूस और हम उनको भी देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग इतनी मेहनत कर रहे, गर्मी है, आप लोगों के भी वहाँ पे ऐसे कोई काम करना है ये, तो प्लीज़ उनको अच्छे से कुछ ठंडा पिला देने की गर्मी में। और ये अंकिता ने बनाया है चैम्पर वुल्फी के लिए, गर्मी में आपके पास पेट्स हो तो आपको भी देना चाहिए, एंड खास करके याद रखना कि सीट के साथ मत देना उनको। ये चैम्प कैसे बैठा है, चलो सेट सेट चैम्प एक नो डाउन स्लीप गुड बॉय। तो ये हमारा 2 टन के एसी का आउटडोर यूनिट है, जो पहले मैंने बोला था यहाँ पे तो लग नहीं सकता है, तो उसके बाद हमने सोचा कि जो स्टूडियो वाला रूम है वहाँ के ऊपर जो मेरा स्टूडियो का यूनिट लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, मैंने सोचा उसके साइड पे लगवा देता हूँ, पर फिर उससे अच्छा ऑप्शन मिला कि यहाँ से पाइप निकलवा के हम यहाँ पे यूनिट लगाएंगे, ताकि पाइप भी कम जाएगी और मेंटेनेंस में बहुत ईजी रहेगा। क्या बोलती पब्लिक, तुम्हारे पहले ही बोला था डालने का नाच, तो फिर अभी एक चीज़ मैंने शूट नहीं की, अंकिता बोल रही थी मतलब सब कंपटीशन टाइप चल रहा है, तो मैं भैया की साइड ले रहा था, अंकिता बोल रही है अच्छा मैं मेकअप करती हूँ, भैया ने कितनी बार मेकअप किया होगा, तो भैया भी हंसने लगे, कौन सी चीज कहाँ ज्वाइन करती है तू, तूने बोला शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, आधा सच है ना झूठ से भी ज्यादा खराब होता है, असली बात ये है, खतरनाक होता है, बोलता खराब होता है, खतरनाक होता है, इक्वल है। और ये शुक्ला अंकल है मेरे पापा के, बहुत मतलब सबसे पुराने दोस्त है, और ये मिलिट्री में थे, रिटायर मिलिट्री मैन, वो तो आपको पर्सनालिटी और मुझे जो आपकी एज क्या है 77 और आज भी खुद बाइक लेके रोज पूरे दिन घूमते हैं। हमारी थोड़ी सी बेवकूफ़ी की वजह से भैया को डबल मेहनत पड़ेगी, पर मैंने वो उसके बारे में आपको लास्ट में बताता हूँ, बट वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने लगा दिया, पर हमने जब कैलकुलेशन मारा तो यहाँ से वहाँ तक का अराउंड 35 फीट जा रहा है, 10 फीट साथ में आता है पाइप का, एक्स्ट्रा पाइप का बहुत ज़्यादा होता है। भैया कितना है, 73 मतलब 73 पर फीट पाइप अगर एक्स्ट्रा लेते तो 373 रुपीज़ जाता है, जिसमें से 10 फीट साथ में आती है, 25 फीट एक्स्ट्रा मतलब आप कैलकुलेट मान लो कितना ज़्यादा, थोड़ा सा ऐड करूँगा एक टन वाला एसी नया आ जाएगा, तो थोड़ी सी मेहनत उनको वापस से करवा रहा हूँ। वापस से हम मैंने बोला है कि यहाँ से निकाल के यहाँ पे, क्योंकि यूनिट यहाँ से निकल के यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, एक भी फिट एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, ऑलरेडी इंक्लूडेड आता उसमें हो जाएगा, वरना एक्स्ट्रा 9,325 सिर्फ पाइप का हो जाता। फाइनली यूनिट यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। ओके गाइस, तो ये स्विच बोर्ड भी इलेक्ट्रिशियन को बुलवा के लगवा दिया है, तो सारी चीजें हो गई अब कंप्लीट। ओके गाइस,
मॉम आ गई है। जय बे। हाँ सरप्राइज। हिंदी हिंदी में बात कर जे। काय की सरप्राइज बताता हूँ। आ जाओ। हिंदी हिंदी नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा। सरप्राइज से भी डर लगती है। कुछ फील हो रहा है ऐसे? रूम ठंडा ठंडा फील हो रहा है? आंसू कर दे। क्या लगा रही है अपने ड्राइंग रूम में? क्या लगा रही है छीरे अटला मोटा? हिंदी इतने बड़े ड्राइंग रूम में क्यों लगाया? सरप्राइज है और यहाँ पे तो मैक्सिमम पूरा दिन यहीं पे बैठती है। लेकिन इतने बड़े में क्यों लगाने की जरूरत थी? क्योंकि तू यहीं पे बैठती है पूरा दिन। सुबह सुबह के 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक तू यहीं पे बैठती है। ये तेरी जगह है बैठने की, ये वाली। अच्छा एक छोटा सरप्राइज और है। चलो ऊपर ऊपर चलो 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 चलो। तो ये मम्मी रास्ते में से एएस ड्राई फ्रूट्स में जाके आई। ओके तो कोई काम बड़ा ना? लाइट कर। कहीं नोटिस करियो? अरे साफ सफाई करो नहीं बोला है रूम में ऊपर। हाँ कौन सा एसी है? हाँ नया एसी है। पहला एलजी लो जो एकदम जजमेंट नहीं है। नहीं नया एसी नहीं आता ऐसा। नया एसी है क्योंकि गाइस मैं बता दूं, जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया था मम्मी के रूम का एसी बिगड़ गया था समर के वक्त। मम्मी पता नहीं क्यों पर लेने के लिए मना कर रही थी और फाइनली मम्मी के रूम में भी अब एसी है। एक साथ में दो दो क्यों लिया? तो एक एक करके लेते पैसे तो उतने जाते ना। बराबर है लेकिन एक साथ में खर्चा निकालने का पूरा। आर यू हैप्पी? हैप्पी मम्मी एक्चुअली कोई रिएक्ट नहीं कर पा रही एकदम से ऐसे दो दो ऐसे ले लिया। हाँ वो अभी तक और दोनों तेरे लिए लिया है ना। तो अब तो आराम से समर में ठंडे में बैठ ऊपर हो या नीचे। मॉम गेटिंग इमोशनल। हेलो मैं जब बाहर जाती हूँ तभी कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करता हूँ। वो मौका मिलता है ना। हैप्पी दो दो नहीं लेना था, एक लिया होता नीचे नहीं लिया होता चल जाता। कैसे एक्चुअली अगर मैं मम्मी को बता के करता तो मॉम लेती नहीं, 100% नहीं लेती। रिपेयरिंग कर दी है। हाँ पर रिपेयरिंग का रिपेयरिंग का खर्चा इतना था कि नया एसी ज्यादा इजी पड़े। पहले वाला एसी दे दिया? दो एसी दे दिए एक्सचेंज में। बाप रे। तो पुराना स्टूडियो वाला था मेरा बिगड़ा हुआ पड़ा था वो भी एक्सचेंज में दे दिया। दो गए दो नए आ गए। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। बाय बोल दे सबको। बाय बोला सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो। चलो गाइस बाय। लव सब लव।